हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का चैप्टर नंबर 4 गिनती 51 से लेकर 100 तक का है। तो आप यहां पर देख सकते हैं आपके चैप्टर के अंदर, और ये इसका जो वीडियो बनाने का सिर्फ एक ही मेरा मकसद है कि आप लोगों को समझाना। क्यों? क्योंकि यहां पर जो आप देख सकते हैं लिखा हुआ है, शिक्षक छात्रों को समूह में बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती का उच्चारण करवाए। यानी कि आप लोगों को कक्षा के अंदर अगर आप होते तो मैं आप लोगों को बिठाकर 51 से 100 तक की गिनती में करवाता, लेकिन अभी आप लोग अपने अपने घर पे हैं और ये एक वीडियो है, तो वीडियो के दौरान मैं आप लोगों से एक ही बात कह सकता हूँ कि आप लोग अपने घर में 51 से 100 तक की गिनती आप लोग पढ़ सकते हैं, या अपने भाई या दोस्तों के साथ में बैठ कर एक खेल की तरह भी इसे खेल सकते हैं। तो ये एक खेलने के साथ में आपका पढ़ने का एक अभ्यास है, जिसको क्या है यहाँ पर दर्शाया गया है। तो वही चीज़ है, तो आप लोग क्या है यहाँ पर देख सकते हैं कि 51 से लेकर 60 तक, फिर 61 से लेके 70 तक, फिर 70 से लेके 80 तक, 81 से लेकर 90 तक, और 90 से लेके 91 से लेकर 100 तक, यहाँ तक की गिनती और साथ में शब्दों में भी लिखा गया है। तो आप लोगों को क्या करना है कि अपने हिंदी के नोटबुक में चैप्टर नंबर 4 डालकर उसमें ये जो गिनतियाँ हैं यह आपको लिखनी है और साथ में याद भी कर लेना है, ताकि आप एग्ज़ाम में लिख पाओ। उसी तरह से आप सेकंड पेज में देख सकते हैं कि यहाँ पर एक गेम दिया गया है, जिसमें कुछ आपके इस तरह से लिखा है, भोले भैया को रास्ते में आने वाली संख्या का उच्चारण करते हुए साइकिल तक पहुंचना है। तो यहाँ पर एक पिक्चर दिया है बच्चे की, जिसका नाम भोला भैया है, यानी भोले भैया बोला गया है, और नीचे के तरफ एक साइकिल दिया गया है। तो आपको ऐसा करना है, ये एक मिसिंग लेटर के स्टाइल में दिया गया है, तो आपको क्या है हिंदी के जो अंक है इसके अंदर आपको लिखते हुए आगे बढ़ना है, ताकि आप साइकिल तक पहुँच सके। तो ये था आपका चैप्टर नंबर 2 जो कि गिनती है। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा, तो आप भी अपने घर पे इसको ज़रूर करना। इसका जो एक्सरसाइज है वो मैं आपको पीडीएफ के दौरान भेजूंगा।